बिटिया रानी, ये नारंगी रंग की साड़ी है। हमें पता है ये नारंगी रंग की साड़ी है, पर ये हमें पूरी की पूरी साड़ी चाहिए। बेटा सारी साड़ी क्या, ये सारी दुकान तुम्हारी है। पर पहले हमारी राजकुमारी जो है साड़ी पहनने जितनी बड़ी तो हो जाए, फिर उसके बाद तुम जिस रंग की साड़ी कहोगी, लाल, नीली, हरी, पीली, बैगनी, वो हम सब तुम्हें ला कर दे देंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। निहाल साहब, आपका ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो गया है, थोड़ा टेंशन कम लीजिए। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, उनको आप टाइम से लीजिएगा, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे। भाभी जी, ये दवाई हमने लिख दी है जी। लेकिन दयाल साहब को दवाइयों से ज्यादा आराम और बेफिक्र रहने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मुसीबत का इतना बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ा है और आप हमें आराम करने के लिए कह रहे हैं। दयाल साहब, दुनिया में जान से बड़ी पूंजी कोई नहीं होती, वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। आप अपना ध्यान रखिएगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। मैं चलता हूँ, ठीक, नमस्ते। सुनिए, आप फिक्र मत कीजिए, देखते ही देखते सब ठीक हो जाएगा। भगवान एक हाथ से लेते हैं ना तो दूसरे हाथ से देते भी हैं। आप चिंता मत कीजिए। ₹35 लाख का नुकसान हुआ, उसमें से 15 तो तलवार के हैं। गोपाल ने इंश्योरेंस वालों को इतला कर दिया, वो कुछ देंगे, लेकिन कितना देंगे और देने में कितना वक्त लगाएंगे ये भगवान ही जाने। हमने मार्केट से बहुत पैसे उठाए थे सर, हम कैसे चुका पाएंगे वो पैसे? सब हमारी गलती है, सब। अगर कुंजलिया होती तो वो समझ सकती थी कि हमारा हाल क्या है। पापा हमसे बात तक नहीं कर रहे, हमारी तरफ देख तक नहीं रहे, हमें डांटने के काबिल तक नहीं समझ रहे हैं वो। हम उनसे सॉरी कैसे कहें, कैसे माफी मांगे उनसे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। हेलो 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 विहान, रचना क्या हुआ? रचना तुम रो क्यों रही हो? विहान क्या हम मिल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल,
एक काम करो, आधे घंटे में अपने छत पे आओ, मैं वहीं तुम्हें मिलता हूँ। ओके ठीक है। रचना क्या बात है, क्या हुआ? बिहान बिहान हमारी दुकान जल गई। क्या, कैसे? हम दुकान में से एकदम लाश निकले थे और पापा ने हमें मेन स्विच ऑफ करने के लिए कहा था और फिर हम स्विच ऑफ करना भूल ही गए और फिर शॉर्ट सर्किट हो गया। बिहार सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से इतना सारा नुकसान हो गया। रचना एक एक्सीडेंट था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। नहीं बियान, अगर हमने ध्यान दिया होता तो यह आफत पापा पर नहीं टूटती, ये सब कुछ नहीं होता। अच्छा बाबा ठीक है, मान लिया कि तुमसे गलती हो गई, ये सब तुम्हारी गलती है, लेकिन अब क्या? हाँ कब तक ऐसे अफसोस मनाती रहोगे? और ऐसे रो के प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा? नहीं नहीं निकलेगा। बी स्ट्रॉन्ग रचना, क्या पता इस आफत में भी कोई अच्छाई हो। अंधेरे में भी चांद और तारे होते हैं ना? नहीं बिहान, अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा। रचना ये अंधेरा भी हटेगा और दुकान भी ठीक हो जाएगी। मेरा दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। वेलकम मैम, मे आई हेल्प यू सर? या वी हैव अ बुकिंग ऑन द नेम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस मयंक गर्ग। ओह यस मैम, जस्ट अ सेकंड मैम। Keys, ma'am. Thank you. Welcome, ma'am. Have a nice day, ma'am. Same to you, sir. Thank you so much. Oh God, ये stopover flights भी कितनी tiring होती हैं ना? I swear. अब सबसे पहले अच्छे से shower लूँगी, उसके बाद हम लोग अपनी नींद पूरी करेंगे, and then honeymoon. नहीं नहीं नहीं, उससे पहले कोई ज़रूरी काम है। आप क्या? घर पे phone? वो ना अभी इतनी सुबह सुबह क्या disturb करना, छोड़ो बाद में करेंगे, चलो। You're right. At least रचना को कॉल कर लेती हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, प्लीज। ओके करो। क्या नहीं उठाया ना? मैंने बोला था सो रहे होंगे। चलो। और क्या? मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा चलने का भी मन नहीं कर रहा। ओह, पैरों में दर्द हो रहा है, तो कोई बात नहीं, नो इशू। नो इशूज? ऑफ कोर्स, देयर वी गो। मैंने कहा था ना कि जिंदगी भर जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।